तो Redmi Note 13 सीरीज में ये तीन फोन्स लॉन्च हुए हैं जिनके दो वीडियोस आप में से काफी लोगों ने देखा होगा, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं Redmi Note 13 5G जिसको हमने Amazon से मंगवाया है। अब ये जो फोन है ये 17,999 की कीमत में आपको मिलेगा, तो क्या ये वर्थ इट है या फिर नहीं, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और लास्ट ईयर जो आया था Redmi Note 12 5G उसके साथ भी ना एक छोटा सा बेसिक कंपैरिजन करके देखेंगे कि भाई ये कितने पानी में है, कितना अपग्रेड मिला है नहीं मिला है, क्योंकि धीरे धीरे ना प्राइस कहां से कहां जा रहा है। कहां हम 10,000 में लिया करते थे, अब 17,000-18,000 रुपया देना पड़ रहा है। तो चलो सब कुछ हम आपको बताएंगे, पहले अनबॉक्सिंग पार्ट देख लेते हैं। तो अमेजोन का पार्सल कुछ इस तरीके का पैकेट में आया था, जिसको ओपन करने के बाद अंदर की तरफ से एक और यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्स है। इसको ओपन करोगे तो हमारा मेन यूनिट देखने को मिलेगा, Redmi Note 13 5G जो कि आप देख सकते हैं। बाकी पीछे की तरफ से बहुत सारे फीचर्स मेंशन किए गए हैं, और हमने मंगवाया है बेस मॉडल 6128 वाला आर्टिक व्हाइट कलर का, जो कि लुक वाइज अच्छा लगता है। खैर बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं अंदर क्या मिलता है। तो सबसे पहले तो एक और बॉक्स हमें देखने को मिल जाता है, जहां पर से सिम इजेक्टर पिन देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ पेपर वर्क रखे हुए हैं दोस्तों, और साथ ही साथ एक केस भी आपको दिया जा रहा है। इस बार क्वालिटी तो काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। खैर इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं जो मेन स्मार्टफोन है वो रखा हुआ देखने को मिलता है। एंड भाई इसकी लुक वाकई में बहुत ज्यादा शानदार है, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा हद तक ना मार्बल वाला फिनिश लगता है। बट एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर से पोको का एक डिवाइस है, दोनों ना एग्जैक्टली पीछे की तरफ से मतलब हाफ पोर्शन अगर आप लोअर साइड का देखोगे एकदम सेम लगते हैं। तो आई होप आप समझ ही गए होंगे। खैर चलो इसके बारे में हम और भी आपको बताएंगे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको ना स्टार्ट में ही बताता हूँ, भाई फ़ोन बहुत ज़्यादा हल्का है। ऑनेस्टली मैं बताता हूँ, बड़ा स्क्रीन और अच्छा क्वालिटी का यहाँ पर से आपको बैटरी मिलता है 5000 का, उसके हिसाब से तो यार जो स्मार्टफोन है बहुत हल्का लग रहा है। खैर हम आपको और भी जानकारी देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर से आप देख सकते हैं टाइप ए टू टाइप सी का केबल मिलेगा, और साथ ही साथ 33 वाट का एक एडाप्टर भी आपको दिया जाता है। और अच्छी बात यह है कि स्क्रीन गार्ड पहले से लगाया हुआ है फ़ोन के ऊपर, तो स्क्रैचेस ये सब नहीं आएंगे। तो अनबॉक्सिंग तो आपने देख लिया, आप चलो इसके बारे में और भी जानकारी देंगे। वैसे रेड रेड मैच कर रहा है, तो आप भी प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर देना, बहुत एफर्ट्स लगता है। खैर बात करते हैं प्राइस को लेकर के, तो 6128 का वेरिएंट आपको 17,999 में मिलता है। एंड आई बिलीव देखो यार लास्ट ईयर के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे ना, जो कि आगे पता चल ही जाएगा आपको, तो ऑब्वियसली अपग्रेड तो है, बट हाँ कहीं ना कहीं प्राइस धीरे 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 ऊपर जाते जा रहा है। अब एक चीज और है कि अगर लास्ट ईयर वाला अगर आप देखोगे ना Redmi Note 12 5G, तो अभी करेंटली मैं देख रहा था 16,999 में मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है उस प्राइस में तो 1000 महंगा ही आएगा। हालांकि बैंक ऑफर ये सब लगा करके आप चाहो तो 1000 डिस्काउंट में ले सकते हैं। तो हम आपको ना ओपिनियन पार्ट में और भी अच्छे से बताएंगे। स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन के साथ। तो भाई डिजाइन तो एक्चुअल में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, ग्लास्टिक डिजाइन है, वैसे ये है पॉलीकार्बोनेट, तो ये चीज़ देख लेना। और बाकी फ़ोन तो काफ़ी ज़्यादा पतला है भाई, हल्का भी 175 ग्राम के आसपास बताया जा रहा था इसका वेट, हमने जब टेस्ट किया तो यही निकल के आया था। और केस भी आप लगाओगे तो 200 ग्राम के अप्रॉक्स निकल के आएगा, मतलब वाकई में बहुत ज़्यादा हल्का है ये फ़ोन। और मुझे ये चीज़ फील हो रहा है क्योंकि जितने भी टेबल में मेरे फ़ोन रखे हुए सब 200 ग्राम के आसपास के हैं, तो आई होप आप मतलब मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, भाई बहुत ज़्यादा हल्का है ये फ़ोन। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर से पीछे की तरफ आप देख सकते हैं ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलता है, 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, और बाकी यहाँ पर से डिटेल्स आप देख सकते हैं। साथ ही साथ फ्लैश है, 5000 एमएच की बैटरी आपको मिलेगी, Redmi 5G का यहाँ पर से ब्रांडिंग किया गया है। लेफ्ट साइड की तरफ से प्लेन भी है, लेकिन यहाँ पर सिम ट्रे लगाया गया है जहाँ पर हाइब्रिड स्लॉट मिलता है, तो अगेन बजट फोन है, ये चीज़ अच्छा है। बाकी नीचे की तरफ से मेन माइक्रोफोन है, टाइप सी का पोर्ट है, स्पीकर के वेंट्स आपको मिल जाएंगे। राइट साइड की तरफ से दोस्तों पावर ऑन ऑफ का की है, और यहीं पर से फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, तो ये चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि बाकी जो Redmi के Note 13 सीरीज के फोन आए हैं उसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, बट इसमें आपको ना साइड की तरफ मिलेगा, तो वो यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना है। बाकी इसी के जस्ट ऊपर दोस्तों आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन की मिलेंगे, ऊपर की तरफ से सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक, साथ ही साथ यहाँ पर से आयर सेंसर एंड 3.5mm जैक मिलेगा। फ्रंट में आपको सेल्फी शूटर 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, एंड बेजल्स एंड चिन आप देख सकते हैं भाई बहुत ज्यादा मिनिमलिस्टिक है, लुक तो काफी अच्छा लगता है। तो देखो डिजाइन वाइज यहां पर से कोई भी कट में नहीं करना चाहूंगा कि भाई ये नहीं है वो नहीं है, बट एक छोटा सा कट है ऑडियो सेक्शन में, जब हम बात करेंगे तो आपको हम उसके बारे में बताएंगे। अब चलो बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले को लेकर के। तो यहां पर आपको मिलेगा 6.67 इंचेस का फुल HD AMOLED डिस्प्ले, जो कि आप देख सकते हैं 93.3% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ आपको देखने को मिलता है। गोरिल्ला ग्लास का भी प्रोटेक्शन आपको दिया जाता है दोस्तों, और ये 1000 निट्स के ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ यहां पर 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट भी दिया जाता है, जिसको आप जाओ तो देख सकते हैं अच्छे से ये काम करता है। हमने अलग अलग एप्लीकेशन के साथ इसको टेस्ट करके भी देख लिया है, और YouTube पे आप नॉर्मली फुल HD 4K वीडियोस ये सब प्ले कर सकते हैं, HDR का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, तो ये चीज का ध्यान रखना, क्योंकि हमने 4K वीडियो प्ले करके देखा। बट हाँ ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, जो वीडियो की क्वालिटी है वो काफी अच्छी है।
और प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। फ्लैट आपको स्क्रीन दिया जा रहा है, हालांकि अगर आप थोड़ा सा पैसा ये सब और लगाओगे तो 20,000 के आसपास ना आपको कर्व डिस्प्ले वाले फोन्स भी देखने को मिलते हैं। बट आई बिलीव ये भी ना आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कराएगा, क्योंकि फोन ना बहुत कम बेजल्स एंड चिन के साथ आता है, तो इमर्सिव एक्सपीरियंस तो मिलेगा। बट सेम टाइम पे दोस्तों अगर ऑडियो सेक्शन की बात करते हैं तो केवल सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर आपको मिलता है। पहले आप आउटपुट सुन लो। तो देखो यार, इस प्राइस ब्रैकेट में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डुअल स्पीकर हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग की गई है। बट ठीक है, आपको एक्सपीरियंस ठीक ठाक मिलेगा, बट वही है कि डुअल स्पीकर होता तो और ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन चलो, 3.5 जैक है तो उसके थ्रू आप वायर वाला जो ईयरफोन होता है उसको लगा करके सुन सकते हैं गाना। अब देखो, इस फोन में मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, तो साइड की तरफ जो फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिलता है उसका जब हमने यहाँ पर से टेस्ट किया था तो बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है, जो कि आप देख सकते हैं, और क्विकली ये ओपन कर देता है। और फ्रंट में आपको फेस अनलॉक भी दिया जाता है, ये भी काफ़ी अच्छे से काम करता है, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रोसेसर, गेमिंग, हीटिंग एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है। तो यहाँ पर आपको मिलता है डायमेंसिटी 6080 का प्रोसेसर, जो कि 6nm के फैब्रिकेशन के साथ हमें देखने को मिल जाता है दोस्तों। और जब हमने यहां पर से बेंचमार्क टेस्ट किए थे तो Geekbench स्कोर्स अच्छे निकल के आए थे, एंटीटू स्कोर्स भी काफी इंप्रेसिव है, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों। और जब हमने BGMI गेम प्ले देखा था तो यहां पर भी ना आपको जो फ्रेम रेट है वो अच्छे देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ हमने कॉल ऑफ ड्यूटी गेम प्ले भी करके देखा, मुझे तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि स्क्रीन काफी बड़ी है, हल्का भी है फोन, तो लंबे सेशन तक गेम करने में ना हाथों में पेन नहीं होता, ये चीज मुझे अच्छा लगा। हालांकि डुअल स्पीकर होता तो थोड़ा और बेटर एक्सपीरियंस मिलता, बट 3.5 जैक से आप वायर वाला ईयरफोन लगा करके यूज कर सकते हैं। हीटिंग इश्यूज एज सच मेजर नहीं है भाई, ठंडे का समय चल रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। बट फिर भी हमने सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट किया था तो ग्राफ्स काफी अच्छे निकल के आए थे, जो कि आप देख सकते हैं। हालांकि यहां पर से जो आपको यह स्मार्टफोन मिल रहा है दोस्तों, इसमें जो स्टोरेज है वो UFS 2.2 टाइप का है, तो रीड एंड राइट स्पीड डिसेंट निकल के आते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। एंड LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिलता है, रैम एक्सपेंडेड भी है, जो कि आप देख सकते हो। तो नॉर्मल यूजर से लेकर के अगर आप मीडियम लेवल का गेमिंग भी करते हो ना, तो ये फोन आपका आराम से सब कुछ करा देगा। अब ऐसा नहीं है कि ये गेमिंग ओरिएंटेड फोन है, लेकिन बजट के हिसाब से देखोगे तो आपको एक्सपीरियंस डेफिनेटली अच्छा मिलेगा। हालांकि सॉफ्टवेयर सेक्शन की बात करते हैं तो भाई 2024 है, अब उसके हिसाब से देखोगे तो एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, तो 14 होता तो काफी अच्छी बात होती, बट चलो कोई नहीं। और यहां पर ना MIUI 14 आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिलता है, तो HyperOS ये सब का अपडेट जब आएगा तो हम आपको बता देंगे, लेकिन उसके लिए वेट करना होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि भैया ब्लोटवेयर ये सब ना आपको भर भर के दिए जाएंगे, तो उसको आपको खुद से अनइंस्टॉल करना होगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा टाइम में ही अनइंस्टॉल हो जाता है। बट स्टिल ये सब चीज तो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, जो कि ब्रांड ने ऑलरेडी इसके अंदर दिया है। और वैसे भी MIUI आपको बहुत सारे फीचर्स दे देता है, लाइक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी इस फोन के अंदर आपको दिया जाता है, और दुनिया भर के फीचर लाइक स्प्लिट स्क्रीन, डुअल ऐप, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। मैंने जितना देर इसको यूज किया 6GB के हिसाब से बता रहा हूं, एज सच कोई भी यहां पर प्रॉब्लम नहीं आया। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि हाँ, प्रोसेसर एंड सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमाइजेशन अच्छा किया गया इस फोन के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कैमरा को लेकर के, तो पीछे की तरफ से आपको ट्रिपल कैमरा मिलेगा, 108 मेगापिक्सल का मेन है, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। यहां पर से कैमरा UI में आपको दिखाना चाहूंगा तो 0.6x 2x एंड 3x तक आप शूट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड है, नाइट मोड आपको मिलेगा, मोर मोड के अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, शॉर्ट वीडियो ये सब क्रिएट कर सकते हो आप। वीडियो टर्म्स की बात करते हैं तो 1080 आपको यहां पर से मिल जाता है 30fps पे, एंड 4K का सपोर्ट यहां पर नहीं है, जो कि आप देख सकते हैं। खैर, फ्रंट की बात करते हैं तो यहां पर भी 1080 30fps तक मैक्सिमम आप शूट कर सकते हैं। इसके अलावा 108 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड मोड दिया गया है, जिसको आप क्लिक कर सकते हो फोटोज को, और डॉक्यूमेंट का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है। कुछ पिक्चर्स जो हमने क्लिक किए थे वो यहाँ पर से आप देख सकते हो दोस्तों। तो जी हाँ, यहाँ पर से कैमरा प्राइस के हिसाब से आपको डिसेंट पिक्चर निकाल करके दे देता है। अगर आप डिटेल्स देखते हैं, कलर्स देखते हैं, तो काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं एंड रेडी टू शेयर हैं ऑन सोशल मीडिया। और फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी एम्पल अमाउंट ऑफ डिटेल्स मिल जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। हालांकि इंडोर लाइटिंग कंडीशन में मैंने इसको यूज़ किया है, एंड जितना देर मैंने इस्तेमाल किया उसके हिसाब से तो मैं बोल सकता हूँ भाई, कैमरा आपको अच्छा एक्सपीरियंस करा देगा। और वीडियोज़ भी जो हमने रिकॉर्ड किए हैं वो आप देख लो। तो अभी जो आप रिकॉर्डिंग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है Redmi Note 13 5G के फ्रंट कैमरा का वीडियो सैंपल फुटेज, एंड मैं देख पा रहा हूँ कि वीडियो स्टेबलाइज्ड है, बट सेम टाइम पे मुझे अपने हैंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ रहा है, और इंडोर लाइटिंग कंडीशन में ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं अभी बाहर नहीं जा सकता कुछ कारण से, तो ये चीज है। और बाकी ऑडियो भी आपको इसी से रिकॉर्ड होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। और ये है दोस्तों Redmi Note 13 5G का बैक कैमरा का वीडियो सैंपल फुटेज, आप देख सकते हैं जो कलर्स है वो थोड़े पॉप होकर के आ रहे हैं, बट बैकग्राउंड ब्लर ये सब काफी अच्छा निकल के आ रहा है। एंड मैं बहुत ज्यादा चल रहा हूँ, शेक कर रहा हूँ, बट EIS काफी अच्छे से काम कर रहा है। इनफैक्ट आप लाइट को भी देख सकते हैं कि कैसे एडजस्ट हो रहा है,
और ऑडियो भी इसी से रिकॉर्ड हो रही है जो कि आप सुन सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर हम नेटवर्क एंड कॉलिंग की बात करते हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स ये 5G आपको मिल रहा है, और जब हमने इंडोर कंडीशन में जियो का 5G टेस्ट किया था उसके अकॉर्डिंग स्पीड अच्छे निकल के आ रहे हैं जो कि आप देख सकते हैं। MIUI डायलर यहाँ पर आपको मिलता है तो चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर टेस्ट किया था कि स्क्रीन का लाइट बंद होता है या फिर नहीं कॉलिंग के दौरान, तो आप देख सकते हैं जैसे आप मोशन करोगे अकॉर्डिंगली ये बंद भी होता है और ठीक से काम कर देता है। और जहां तक रही बात दोस्तों इसके हैप्टिक्स को लेकर के, तो स्प्रिंग वाला आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, मतलब ठीक ठाक है, मतलब जितना बजट है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। और अगर बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रास की, तो सार वैल्यू आपको विद इन लिमिट में देखने को मिल जाता है, वाइड वन L1 का सर्टिफिकेशन आउट ऑफ द बॉक्स है, स्टोरेज के स्पीड टेस्ट डिसेंट निकल के आए थे UFS 2.2 के हिसाब से, रैम एक्सपेंडेड है जो कि आप देख सकते हैं, साथ ही साथ सारे यूजफुल सेंसर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहां पर से दोस्तों FM रेडियो का भी सपोर्ट मिलता है, ऊपर की तरफ से IR सेंसर एंड 3.5mm जैक भी आपको देखने को मिल जाता है। तो हमने आपको Redmi Note 13 5G के रिगार्डिंग सब कुछ बता दिया है। अब देखो प्राइसिंग के बारे में तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जो बेस वेरिएंट है 6128 आपको 17999 में मिलेगा, कुछ ऑफर्स चलेंगे तो आप देख लेना, डिस्काउंट से सब तो मिल ही जाएगा। अब देखो लास्ट जनरेशन से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं Redmi Note 12 5G के साथ, तो देखो यहां पर से जो डिस्प्ले का प्रोटेक्शन है वो Gorilla Glass 5 कर दिया गया है, लास्ट टाइम Gorilla Glass 3 था, इसके साथ साथ यहां पर से IP54 की रेटिंग है, लास्ट टाइम 53 था। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर से अगर आप देखते हैं प्रोसेसर, तो वो भी आपको अपग्रेड, मतलब एक तरीके से चेंज है, यहाँ पर डायमेंसिटी 6080 आपको देखने को मिल जाता है, कैमरा अगेन आपको अपग्रेड मिलता है, 108 मेगापिक्सल है। उस हिसाब से देखा जाए ओवरऑल तो यहाँ पर प्राइस अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो ठीक ठाक है, बट हाँ सेम टाइम पे अगर आप सेल का वेट करते हो और कुछ जो फोन्स कुछ महीने पहले लॉन्च हुए थे वो सबको अगर आप खरीदोगे तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा वैल्यू मिल सकता है, बट स्टिल काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना जिनको रेडमी का ही फ़ोन चाहिए, नया चाहिए, लुक अच्छा चाहिए, हल्का फ़ोन चाहिए, भाई ये डिस्प्ले की क्वालिटी टॉप नॉच चाहिए, तो उस हिसाब से देखा जाए मुझे लगता है ये फ़ोन सही है ऑप्शन। हालांकि यहाँ देखो प्राइस ये सब कम रहता तो ऑब्वियसली और अच्छी बात हो सकती थी, अफोर्डेबल हो जाता बहुत लोगों के लिए, बट वही है कि अब देखो लास्ट ईयर वाला जिस तरीके का प्राइस में आया है ऑब्वियसली धीरे धीरे प्राइस ये लोग बढ़ाते जा रहे हैं, और बीच में ना चुपके से पोको का फोन्स निकाल देते हैं कम प्राइस में, तो दोनों का अपना अपना ब्रांड वैल्यू बना रहता है, तो ब्रांड के नाम पर कंपनी थोड़ा ना थोड़ा पैसे ज़्यादा ले रही है, ये चीज़ आपको भी समझ में आ ही गया होगा। बट स्टिल देखो लुक यहाँ पर से फोन बहुत हल्का है, 5000mAh की बैटरी है, डिस्प्ले है, कैमरास आपको अच्छे मिलते हैं, गेमिंग आपको डिसेंट मिल जाएगा, उस हिसाब से अगर आप देखते हैं प्राइस को थोड़ा सा साइड रख के तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड ऑप्शन टू गो विथ, एंड डेफिनेटली आप इसको बाई कर सकते हैं। जहाँ भी कट्स थे वो मैंने आपको बता दिया है, एंड हाँ बाय द वे मैं बताना चाहूँगा कि ये वीडियो बिल्कुल स्पॉन्सर्ड नहीं है, जो भी ओपिनियन ये सब दे रहा हूँ मेरा इनिशियल है, जितना देर मैंने इस फोन को टेस्ट किया उसके हिसाब से बता रहा हूँ, अमेजोन से मैंने बाई किया भाई, तो आई होप आप समझ ही गए होंगे। बाकी हाँ यार अगर आपके मन में कोई डाउट है कमेंट कर लेना, कोई कंपैरिजन वीडियो देखना होगा, कुछ वीडियो बनवाना होगा वो भी आप मुझे बोलना, अगर होगा सही तो मैं जरूर बना दूंगा। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक करके जाना, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर देना, बाकी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।